अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। ये पापड़ है, ये दाल की अक्सर दुकानों में फ़रोख्त होता है, बल्कि पूरी दियामर में। तो मेरा असिस्टेंट कमिश्नर दारेल से गुजारिश है कि इस पर नोटिस लें। इसके अंदर पूरी की पूरी प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। अगर ये बच्चों से खाया तो समझो क्या होगा इनका हालात। तो अभी मैं इसको जला के भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्लास्टिक कैसी है, और प्लास्टिक बिल्कुल आपको नज़र आएगी। तो मैं तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अरबाब इकदार तक पहुंच सकें। तो अभी मैं इसको जलाऊंगा तो फिर आप इसको देखें। ये मैंने अभी एक इसके ऊपर आग जलाए हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये जल रहा है। अभी देखो इसके अंदर प्लास्टिक है। अगर ये बच्चों ने खाया तो इनका मैदा का क्या होगा, बाकी आप ये मुलाजा कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अरबाब इकदार तक पहुँच सकें। और मेरा असिस्टेंट कमिश्नर से फिर मैं गुजारिश करूँगा कि शतियाल पुल में ये जो सामान, ये जो पापड़ लेके आते हैं, इनका सख्ती से चेकिंग किया जाए और इनको उठा के फेंक दिया जाए। ये अभी आप अहबाब इसको मुलाजा कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपके सामने प्रूफ के साथ मैंने ये प्रोग्राम बना किया हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आग जल गया। तो ये जिस तरह प्लास्टिक जलाए तो इसका वो आग जलते ना है, और इसका जो बदबू आते हैं, स्मेल आते गंदा, वहीं तरीके से इसका भी ये सिस्टम है। तो आप अहबाब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसको शेयर करें ताकि इसको गवर्नमेंट की जो मुतालिका ज़िम्मेदार अफसरान हैं वहाँ तक पहुंच सके। तो इसी के साथ अपना मेज़बान बरकत शाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।